हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो इधर सुबह मॉर्निंग का टाइम है और विश्रुति देखिए सुबह में नाश्ता वगैरह करके मेरा दुपट्टा ओढ़ कर बैठ गई है घर घर खेलने के लिए। तो सब पसारा करके बैठी है और मैंने झाड़ू लगा दिया है और अभी मैं पोछा लगा देती हूँ। और वैसे भी आजकल ठंडी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है तो इसे पोछा लगाना थोड़ा सा आसान रहता है। तो मैंने अभी पहले तो मैं बैठ कर ही पोछा लगाती थी, फिर अभी ये ले लिया है मैंने तो इससे अच्छा रहता है, फटाफट पोछा लग जाता है। और विश्रुति उधर ही खेल रही थी और फिर मैंने उसको उठाया नहीं, और मैंने सोचा चलो थोड़ी देर खेलने दो उसको, तो खेलने के मूड में थी तो फिर मैंने खेलने दिया। और फिर बस रूम के अंदर पोछा लगा लिया है और अभी मैं किचन में भी पोछा लगाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और सुबह का चाय नाश्ता तो हो गया था और जैसे फिर दिया बाती करके चले गए थे। और मैं सोची चलो पहले काम कर लेती हूँ घर का, फिर मैं नहाने जाऊँगी। और बस अभी झाड़ू पोछा होने के बाद बर्तन वगैरह सब धोकर इधर ही रख दिया है मैंने, और पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है। विश्रुति गई है नहाने के लिए और ये सारे सॉक्स मैंने कल धोए थे तो इधर ही अभी रख दिए हैं, विश्रुति के हैं मेरे हैं। और मास्क भी धोए थे तो वो सब मैंने इधर ही रखे हैं और फिर मैं रख दूँगी। और कर पूरा किचन क्लीनिंग किया था मैंने तो बस ये सब बहुत अच्छे से अभी साफ़ सुथरा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। और कल मैं गई थी सोमवार मार्केट में, शाम को इधर सोमवार मार्केट भरता है तो उधर से मैंने ये स्वेटर लिया है। कैसा है कमेंट में बताइएगा। और वैसे मेरे पास था एक पर मुझे वो बहुत ज़्यादा चुभ रहा था तो वो मैं नहीं पहनती थी, और ये कल मैंने लिया है। इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है और अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है, गर्म है तो मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे इसमें तीन कलर था, एक पर्पल था, एक मरून था और ये पिंक वाला था, तो मुझे ये पिंक वाला बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये पिंक वाला स्वेटर लिया है। और आधा ठंडी जाने के बाद मैंने स्वेटर लिया है क्योंकि आजकल वैसे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में काम करते टाइम भी ठंडी लगती है। तो फाइनली मैंने स्वेटर ले लिया और मुझे अच्छा लग रहा है। तो बस अभी पानी भी गर्म हो चुका है तो मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो बने रहेगा वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो अभी मैं आई हूँ जयेश की दुकान पर और इधर मैं कर रही हूँ साड़ी में फोल्ड लगा रही हूँ। और वैसे ये काम मेरा रोज का है, मैं रोज़ ये काम सब काम करती हूँ और ये सब काम करने में किसी शर्म, ये सब तो जो हस्बैंड काम करते हैं तो उनकी थोड़ी सी मदद भी करनी चाहिए। तो ये सब से तो ये सब काम से ही हमारा घर चलता है तो ये सब काम दर्जी काम करते हैं तो क्या शर्म रखने की। मैं हाथ सिलाई फोल्ड बेडिंग वो जो छोटा मोटा काम है वो मैं कर लेती हूँ, तो मैं बातें भी कर रही थी और ये साड़ी में फोल्ड भी लगा रही थी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ घर पर, मैं और विश्रुति तो अभी रास्ते में है हम लोग, और सब्जी भी लेनी है तो मैं इधर आई हूँ सब्जी मंडी में, तो सब्जी ले रही हूँ मैं इधर से। और आप देख सकते हो कितनी हरी भरी सब्जियाँ है, अभी तो बहुत फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ आती है मार्केट। तो इधर विश्रुति होमवर्क कर रही है ट्यूशन का और ये सारे कपड़े हैं वो धुले हुए हैं तो सबको फोल्ड भी करना है तो उधर ही रखा है। मैं खाना वाना बना कर दोपहर के बाद इस फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी। और विश्रुति सबको हेलो कर दो। तो विश्रुति कुछ क्या लिख रही है? ये किचन में होमवर्क दिया है। अच्छा, और भी है। हाँ, होमवर्क कर रही है विश्रुति, अच्छी राइटिंग करना बेटा। हाँ लिख अभी अच्छे से, मैं खाना बनाती हूँ ठीक है। तो चलो विश्रुति अभी होमवर्क कर रही है, तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो आज बनेगा मटर, अभी मैं मटर ही लाई हूँ बाहर से आई तभी, तो ये मटर है आधा किलो और अभी मार्केट में मटर भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं तो मटर की सब्ज़ी तो खानी चाहिए, सीजनेबल है तो। और धनिया भी लाई हूँ तो बनेगी मटर आलू की सब्ज़ी। तो पहले मैं चावल रख देती हूँ बनाने के लिए, फिर मटर छिलने बैठती हूँ।
तो आप लोगों के साथ बातें करने के बाद मैं किचन में अभी चावल निकाल रही हूँ डब्बे में से, और अभी चावल रख दूंगी बनाने के लिए पहले तो। और टाइम हुआ था 12 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, और विश्रुति अंदर होमवर्क कर रही है, मैंने आपको दिखाया। और चावल रखने के बाद मैं इधर मटर छील लेती हूँ, लहसुन वगैरह छील लेती हूँ, तो बस ये काम मैं अभी फटाफट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इधर थोड़े से मटर निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि रात के खाने में थोड़ा सा आलू मटर का पराठा बनाऊंगी, इसकी वजह से मटर भी थोड़े से ज़्यादा थे। और विश्रुति देखिए किचन में आ गई है, वो अकेली नहीं बैठ रही थी मेरे साथ ही किचन में, उधर बैठकर होमवर्क कर रही थी। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, और थोड़े से मटर मैंने निकाल लिए। और विश्रुति देख सकते हो पीछे, वो मेरा स्वेटर है ना, वो मैंने नया लिया है ना, तो उसको उनको पहनना अच्छा लग रहा था, तो वो पहनकर मुझे दिखा रही थी कि मम्मी मैंने देखो आपका स्वेटर पहन लिया, मुझे कैसा दिख रहा है वो बोलो, ऐसे पूछ रही थी मुझे। तो मेरा स्वेटर पहनकर बहुत खुश हो रही थी और मुझे दिखा रही थी, और उसका होमवर्क भी दिखा रही थी। और इधर मैं सब्जी बना रही थी, तब देखा कि मिर्ची तो डब्बे में है ही नहीं, तो मैं ऊपर से मिर्च का डब्बा निकाल कर मसालेदाने में मिर्ची भर रही थी। और विश्रुति उधर ही है, होमवर्क दिखा रही थी मुझे और मेरे साथ बातें भी कर रही थी। और ये बन रही है आलू मटर की सब्जी, पर मैं आपके साथ डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कितने बार शेयर किया हुआ है। तो अभी मैंने हरे धनिया भी डाल दिए, ताकि उसका भी जो टेस्ट रहता है ना बहुत अच्छा आता है सब्जी में से। तो ये मसालों को मैं अच्छे से पका लेती हूँ, सारे मसाले मैंने सब्जी में डाल दिए हैं, और मसाला भी अच्छे से पक चुका है, तो मैंने पानी डाल दिया है सब्जी में। और बस अभी ढक्कन बंद करके मैं 3-4 सीटी कर लूँगी, तब तक तो फिर ये सब्जी बन जाएगी। तो सब्जी तो उधर बन रही है, तब तक मैं इधर आटा छान रही हूँ, और तब तक मैं आटा गूंथ कर रख दूंगी 10 मिनट के लिए, तो दोनों काम साथ में हो जाते। तो ये देखिए सब्जी बनकर रेडी है, और बहुत ही अच्छी लग रही है, और खाने में भी टेस्टी है। और मैंने अभी ऊपर से हरे धनिया डाल दिए है उसमें, और सब्जी बनाने के टाइम पर भी थोड़े से धनिया डाले थे, क्योंकि धनिया भी अभी फ्रेश आ रहा है मार्केट में, तो फिर धनिया भी मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ सब्जी में। तो ये मटर और आलू की सब्जी बनकर रेडी है, और साथ में मैंने ये सलाद कुछ काटे हैं, टमाटर है और इसमें बीट है, और ये एक आंवला है, ये हल्दी नमक के पानी में मैंने आंवला को डालकर रखा है, तो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये कुछ कच्चा सलाद है, और ये चावल, इसमें भी मैंने हरे मटर डाले हैं, क्योंकि और ये कुछ ये रोटियाँ भी बना ली है। तो ये देखिए ये सौंफ है, मैं 10 रुपये की लाई थी सोमा मार्केट से, तो इसमें इलायची डालकर और थोड़ा सा हल्दी और नमक डालकर जयेश ने ये सेक लिया है, और मैं भी खा रही थी, और विश्रुति भी पास में ही थी, तो विश्रुति को भी मैं दे रही थी। तो ये मुखवास बनाया है जयेश ने, वो खाना खाने आए थे तभी, तो विश्रुति को थोड़ा सा मैंने दे दिया है, और फिर मैं डब्बे में भर कर रख दूँगी, अभी गर्म है थोड़ा सा, तो बस वो काम पर चले गए हैं। और अभी मैं कर रही हूँ सब किचन क्लीनिंग, जो दोपहर की सब्जी थोड़ी सी बची है आलू मटर की, वो मैं अभी कटोरी में निकाल कर रख दूंगी, तो रात को भी थोड़ी सी खाने को हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा तो बच ही जाता है, मैं कट टू कट खाना बनाते ही नहीं हूँ, कभी एक जन खा लेना उतना खाना तो बचता ही है। तो सब्जी बची थी तो मैंने ढक कर रख दी है, और बस अभी सारे बर्तनों को मैं धो लेती हूँ। और आपको कुछ भी पूछना रहेगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी। और बस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और एंड करती हूँ ये वीडियो का, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।